हेलो गाइस। सो आज फिर से तैयार हो गए, शाम हो चुकी है और आप लोग सोच रहे हो कि यार ये बंदा बड़ा अजीब है, हर रोज़ शाम को कहीं ना कहीं घूमने निकल जाता है। तो जी हम जिस एरिया में हैं और वैसे भी दिसंबर के टाइम है और इतने सारे क्रिसमस के इवेंट्स हर जगह हो रहे हैं कि हम किसी ना किसी इवेंट में रोज़ शाम को जाते हैं और कुछ ना कुछ एक नई चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। तो आज हम जहाँ जा रहे हैं वो है बॉल्स फॉल पे विंटर वाइन फेस्टिवल। ये 3 दिन का फेस्टिवल है, दिसंबर 9 टू दिसंबर 11, और ये हमारे घर से सिर्फ 15 मिनट दूर है। तो डेफिनेटली आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस द अपॉर्चुनिटी एंड आई वॉन्ट टू शो इट माई फैमिली। तो आइए और चलते हैं और एक्सपीरियंस करें इस विंटर वाइन फेस्टिवल को, जो कि यहाँ से 15 मिनट दूर है। देखो जी, पहुँच चुके हैं विंटर वाइन फेस्टिवल। और ये पूरा जो मास बनाया है हमने, वहाँ जाना है हमने। लग तो बड़ा ब्यूटीफुल रहा है। हाँ जी श्वेता, कैसा लग रहा है आपको देख के? ये ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली है और सब हमारे लिए दिए जल रहे हैं बहुत सारे पूरे पार्क पे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगेन दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस वी आर एक्सपीरियंसिंग। और ये हम हैं बॉल्स फॉल पे, विंटर वाइन फेस्टिवल, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। एंड आप देखते रहिए, बहुत कुछ अभी और आना है। So gorgeous. ऐसा लग रहा है कोई मतलब वंडरलैंड में आ गए हो आप। अभी हम घूम के आए हैं चर्च और अब हम देखने जा रहे हैं ये पुरानी सी एक विंड मिल। अच्छा, कैबिन है ये कोई? ये पुराना उनकी कैबिन जहाँ पे वर्कर्स रहते थे इनके, जो मिल में काम करते थे। और देख रहे हो आप, पुराना बेड रखा हुआ इन्होंने, चेयर पड़ी है और इस कैबिन में ऊपर सीढ़ियां भी है जाने के लिए। ये सारा 17th century का और ये अभी तक इन्होंने बिल्कुल इसको मेंटेन किया हुआ है। और ये जनरली बंद होता है बट बिकॉज ऑफ दिस विंटर वाइन फेस्टिवल ये खुला हुआ है अभी। दिस इज ब्यूटिफुल एरिया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारे यहाँ बॉल्स फॉल पे आने का।
और इन्होंने पूरा पाथ है ना लिट अप किया हुआ है ऐसे कि आपने इसको फॉलो करना है, ये जो लाइट्स को, और इसमें पाथ बनाया। और ये जो घर में जिसमें हम जा रहे हैं अभी, ये हम सोच रहे थे तो बंद होगा, बट ये घर में आप जा सकते हो एक्चुअली, ये वाला घर यहाँ पर वो एक्चुअली रहते थे वॉल्स फैमिली इन 1800s। तो लेट्स गो एंड सी। हाँ देखो, उन्होंने एक साइड एंट्रेंस बनाई हुई है उधर से। तो ये वॉल्स होम इज 1846। The last time that the home was renovated was the 1920s. So there are a few things you'll notice from that time period that are a little newer, like our radiators. The home did have electricity, so there are light fixtures, there are old vintage switches on the walls as well. And the flooring in the kitchen is very 1920s Art Deco. So this was built as their family home. They had already been living on the property for quite some time, but they were living in a log cabin. Now, while they were living in their log cabin, they had started several industries on the property, including they had a flour mill, which is still standing over there. They had a sawmill, which was behind the home. It's no longer there. And if you've ever been on a hike to our Upper Falls, you can see there is the ruins of a beautiful stone building. And that was the woolen mill. So they had the sawmill, which produced wood. So that made settling in the area much easier as well, because families could come and purchase wood rather than going out into the woods and felling their own trees and hand hewing all of those, timbers. There was also the woolen textile factory, and they made money from all these industries until they gained enough wealth to build and maintain this home. So from then, from 1846 onward, the house was lived in by members of the Ball family until the 1860s, and it was donated to the NPCA in 1970 with the intention of preserving their family history. So Niagara Peninsula? Yes, so Niagara Peninsula Conservation Authority. Ball's Falls is owned by the Conservation Authority. And we run the historical buildings, we run historical programs out of them, nice. We maintain the buildings. Nice. And they donated the land to us in 1970 to preserve their family heritage and the heritage of the area. Since 1970, oh. Yeah, so. 1970 is when we came into possession of it, but everything is roughly 200 years old in the home. Oh, wow. Yeah. Okay, we can go and walk around. Yeah, absolutely. Yeah, thank you so much. You're thank welcome. You. तो देखो पुराना बेडरूम, दैट्स द डाइनिंग एरिया, सो दिस इज डाइनिंग रूम, ओके नाइस। So that if you have anyone coming over to conduct some business, they can just come, they right can in, come right from right the side. The oh, nice. Smart idea. It's a wood stove. You would feed everything in through the door. Bread could be heated in here, or you could place it in there to rise. And then the stove top would get nice and hot, so you could boil water, you could cook eggs. After it became a normal thing. This is the actual flooring? Yeah. Yes. So this is, I believe, 1920s. Wow. That was the last major renovation on the home. That's a summer kitchen room. Summer kitchen. So what is the difference in summer kitchen? So the summer kitchen is an extension off of the house. So this chimney goes, it would go, I believe, into the same chimney pipe as this one. But it means that the fire is on the outside of the house. So in the summer, you're not building a big fire and heating the home excessively. You can also see through the window, there's a little brick building right there. That's the bread oven. That so one? For any baking, you would do that in that there. That one there? Yes. Oh, really? Yeah.
like a small hut thing. That's a bread oven. Yes. You can make pizzas also. It's very similar to a modern pizza. चलो जी, टूर लेके आ गए घर का. पुराना भूत बंगला टाइप लग रहा था. How was your experience for Balls Fall today? Beautiful. I actually love enjoy like doing different things. और Balls Fall तो वैसे ही बहुत सुंदर लगता है normal days में भी. आज तो क्या कहने? क्या कहने? And I used to love actually their historic वो जगह और look normal day में भी. आज तो it is looking gorgeous. तो I think festival अभी भी है on. अगर किसी को आना है तो आप अभी भी आ सकते हो और आकर enjoy कर सकते हो ये पूरा. ये वो करते हैं हम यहाँ end और बस चलते हैं वापस. हो गई अराउंड 1.25 घंटे की वॉक और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा Balls Fall का. और इस वीडियो को हम बहुत जल्दी पोस्ट करेंगे और ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है.